हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। दगड़ियों, पिछला ब्लॉग आपने देखा कि इन लोगों ने गांव में काफ़ी मस्ती करी, खूब धूम मचाया। इवनिंग वॉक तो इन्होंने डेली से अपना बांध रखा है, डेली जाते हैं, वही रूटीन दिखाया इन्होंने कि क्या क्या हुआ, क्या क्या करा इन्होंने। गाँव की बात ही अलग है, गाँव की मस्ती अलग है। तो देखते हैं फिलहाल इन्होंने आज लोगों ने इन्होंने क्या मस्ती करी गाँव में और क्या धूम मचाया। आप बस बने रहिए आपके अपने चैनल बैक टू पहाड़ में और एंजॉय करते रहिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं इन हसीन वादियों के साथ, और आज का मौसम बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। अभी मौसम हो रहा है बहुत जबरदस्त, बादल लगे हुए हैं, बारिश आने की संभावना पूरी पूरी बनी हुई है, संभावना बारिश आने आ रही है। कल भी आई थी बट रात को आई थी, तो मैंने उससे पहले ब्लॉग एंड कर दिया था, हर चीज की आवाज बिल्कुल क्लियर पता चलती है ये किसकी आवाज है। जैसे आपको भी बहुत सारी आवाजें आ रही होंगी अभी, गाँव की बात अलग इसीलिए है क्योंकि यहाँ हर एक चीज, मतलब बिल्कुल शहर के कंपैरिजन में गाँव बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें नेचुरल हैं यहाँ, और वहाँ तो ट्रैफिक के शोर में किसी एक पक्षी की आवाज़, किसी की भी आवाज़ नहीं आती है, बट यहाँ पर इतना शांति है, इतना पीसफुल है ये एरिया, तो यहाँ एक एक चीज़ की आवाज़ आप सुन सकते हो। कितनी प्यारी चिड़िया है ये देखो, ये बैठी हुई है, कितनी प्यारी है, कलर इतने डिफरेंट हैं, अलग अलग तरीके के पक्षी यहाँ देखने को मिलेंगे, देखो कितना प्यार। आजकल हम चूल्हे में रोटी नहीं बना रहे हैं कुछ दिनों से, क्योंकि बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से गीला हो जा रहा है, तो लकड़ियाँ भी गीली गीली हो गई थी बीच में, तो हम अंदर ही रोटी बना रहे हैं आजकल, और अभी ढकनी है दोबारा से, बारिश आने लग गई, छींटे पड़ गए। ये हमारा नाश्ता रेडी हो गया है, बस अब खाने की हो रही है तैयारी, तो अब नाश्ता करते हैं। ये जो आवाज़ आ रही है ये भी एक तरह का पक्षी है, मुझे इसका नाम नहीं पता। ओ भाई, ये वो गोल देख कहाँ से निकल रहा है, पेड़ में से, पेड़ के अंदर से। ये देखो यहाँ, यहाँ पर ऐसे ऐसे जानवर देखने को मिलेंगे। ओ भाई, इसके अंदर रहता है ये, नाश्ता हो गया है, और मम्मी पापा लाला ताऊ जी ये सारे लोग भी रानी खेत के लिए चले गए हैं, जो ज़मीन ली थी हमने यहाँ नीचे उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए चले गए हैं, और आर रजिस्ट्री हो जाएगी तो फिर हम, आज चले ही गए हैं, आर रजिस्ट्री हो जाएगी तो फिर हम कल दिल्ली के लिए निकल जाएंगे यहाँ से। ये देखो कैसी पक्षी की आवाज़ आ रही है, यहाँ मुर्गा, मोर, चिड़िया, बहुत कीड़े, बहुत अलग अलग तरीके के जानवरों की आवाज़ आती है यहाँ पर। अब हम जा रहे हैं ताऊ जी के घर, क्योंकि ताऊ जी गए मम्मी पापा लोगों के साथ रजिस्ट्री करवाने, और हम लोग जा रहे हैं रोबो को खाना देने। उठो, आओ जल्दी बाहर आओ, आओ। अरे कहाँ से निकल रहा है भाई, पीछे से निकल, पीछे से।
ये ताऊ जी ने यहाँ पर भुट्टे की खेती कर रखे है, भुट्टे लगा रखे हैं जिसे घोग कहते हैं। रोबो चलो उधर पीछे बैठ, चलो रोबो मिलते हैं फिर बाद में, बैठो अंदर अंदर बैठ, उधर बैठ जा ना, डरपोक है, आते ही सीधा इसके अंदर घुस गया। ये देखो ये देखो ये देखो कितना वहां अंदर घुस गया सीधा, यानी कि बाहर चौकीदारों की तरह खड़े रहूं। और यहाँ ये हमारा हैप्पी, ये पापा और ताऊ जी आ गए हैं वहां से रजिस्ट्री करवा के, और ये मैंने नमकीन रेडी कर दिए हैं लोगों के लिए भी और अपने लिए भी, और मम्मी भी आ गई है। अब मैं यहाँ पर चाउमीन की तैयारी कर रही हूँ, चाउमीन बना रही हूँ बिल्कुल नेचुरल, शिमला मिर्च, मिर्च और प्याज से, सारी चीज़ ये खेत से निकली हुई है, अभी हमने सामने निकाली है। शिमला मिर्च भी खेत में से तोड़ के लाए हैं, और मिर्च भी हमने अभी अपने यहाँ से तोड़ के डाली है इसमें, और कड़ी पत्ता भी, सारी चीज़ नेचुरल है, ऑर्गेनिक। चाय रख ली है, चाउमीन रेडी हो रखी है, दो बॉटल मैंने अभी मंगवाई ये नहीं थी, चाउमीन रेडी हो गई है और आधे लोगों को दे भी दिया, और मैंने अपने लिए हेमू खा रही है यहाँ चाउमीन, और लालू ने भी खा ली है, और बाहर ताऊ जी ये लोग खा पी के बैठ गए हैं। क्या अम्मा हाँ किसको बोलेगी, इतने सारे काम किसको बताएगी एक के बाद एक, है ना अम्मा? अब आग जलाने की तैयारी चल रही है, अभी मुझे जलानी है आग, अम्मा ने बोला आग जलाओ, तो अभी ये सारे सूखे लकड़ियाँ जला दी हैं, थोड़े से सूखे पत्ते डाल दिए। कल जा रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली निकलने की चल रही है तैयारी, क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना है, तो हमें शाम को ही सारी पैकिंग करनी पड़ेगी। ये आड़ू तोड़ने के लिए आ गए हैं हम ताऊ जी के यहाँ, ये लगे हुए हैं आड़ू, इसमें ये ताऊ जी के, ये ताऊ जी का आड़ू का पेड़ है, इसमें से हम आड़ू तोड़ रहे हैं, क्योंकि हम कल दिल्ली को जा रहे हैं, तो दिल्ली जाने के लिए अब वहाँ पर अभी तक से पके नहीं थे, तो हमने खाए नहीं थे आड़ू, दो चार ताऊ जी लाए थे उस टाइम टेस्ट किए थे, बट अभी भी ये पूरे अच्छे से पके नहीं हैं, वो तो बहुत रहे हैं पर पके नहीं हैं ज़्यादा अच्छे से, इसलिए थोड़े से हम तोड़ के ले जाएंगे। और आड़ू बहुत लगे हुए हैं वैसे, मतलब बिना हाथ लगाए झड़ रहे हैं इतने हुए हैं। ये पैकिंग होने लग गई है, ये पैकिंग चल रही है दिल्ली के लिए निकलने के लिए, हो रही है पैकिंग हमारी, ये कंप्यूटर वगैरह पैक हो रहे हैं। सबने खाना खा लिया है, और अब मम्मी बाहर बर्तन धो रही है, और अब यहाँ सोने की तैयारी हो गई सबकी। आज बहुत लेट हो गए हम, टाइम 10:45 हो गए हैं रात के, क्योंकि पैकिंग करने में बहुत टाइम निकल गया, क्योंकि कल हमें दिल्ली जाना है, तो कल सुबह जल्दी निकलना है, तो अब मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।